बेटा आज हमारे पास क्लास 9 का थ्योरम 15.1 आपके पास है जो कि पैथागोरस थ्योरम है। एक बात आप बेटा इस चीज से ध्यान रखिएगा अपने ज़हन में, जिस थ्योरम का कोई नाम होता है ना उस थ्योरम की वो स्टेटमेंट आपको नहीं देता, वरना तो स्टेटमेंट लिख के देते हैं ना कि जो आपके पास वर्डिंग में लिख दिया कि जिस थ्योरम का नाम होगा ना उसकी वो स्टेटमेंट भी आपको लिख के नहीं देगा, वो सिर्फ आपसे ये कहेगा स्टेट एंड प्रूव पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी आपको लर्न बाय हार्ट होना जरूरी है। अब इसकी स्टेटमेंट पैथागोरस थ्योरम है क्या, स्टेटमेंट थी ना राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बाद कॉमा लगा हुआ है, इट मींस दैट राइट एंगल ट्रायंगल के बाद जब कॉमा लगा हुआ है तो वो हमारे पास गिवन का डाटा है। तो सबसे पहले पहले हमें क्या करना है, सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है बात, राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 90 बाकी के एंगल उसके इक्वल होते हैं। इक्वल होना जरूरी नहीं है, एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होना जरूरी है। मैं कहता है एक 90 होते हैं बाकी दोनों सम करके 90 बनते हैं, सम मिला के 90 बनता है। दैट्स राइट। इसमें राइट एंगल कौन सा बन रहा है भाई, सी बी सी सर सी वाला सर सी है पास में जाए। यस सर। अब गिवन के अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है ना उस गिवन के साथ हम चलते हैं। अब उसने हमारे पास यहां पे कॉमा लगा, गिवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लिखना है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज सर बी सी के नहीं होगा फादर वर्ड से वो हाइपोटेन्यूज की वो तो टू प्रूव करना ना, तो प्रूव वो टू प्रूव में जाएंगे बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल पहली बात तो ये आ जाएगी, और इसके अंदर जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका राइट एंगल हमारे पास क्या है, एंगल सी इज राइट एंगल, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर हम थोड़ी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे इसके जो सामने वाली साइड है, इसके सामने वाली साइड को हम क्या कह देते हैं स्मॉल सी, इसे डिनोट कर देते हैं। शोर आ रहा है किसी से, पेंसिल का आपके बेटा बाहर है सर बाहर से, फिर ए के सामने वाले को स्मॉल और बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट किया हमने के बी सी इज इक्वल टू ए, ठीक है, फिर ए बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी और फिर उसके बाद सी ए इज इक्वल टू बी, ये हम इसको लेट करते हैं। यहां से बात समझ आती है। अब ये वो डेटा था जो आपके पास मैंने बताया ना कॉमे से पहले पहले लिखा हुआ था गिवन के अंदर, गिवन में हमने सिर्फ यही कुछ लिखना है और ये लिखने के बाद अब हम आ जाते हैं पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट जो कॉमे के बाद है टू प्रूव में। वो क्या कहता है, टू प्रूव में कहता है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं हम, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन या अपोजिट टू द राइट एंगल। अब टू प्रूव में जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे ही आपके पास एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। टू प्रूव में क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, एसी है बी सॉरी ए भी है, तो क्या कह सकते हैं हम ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इक्वल की साइन लगा देते हैं फिर बीसी और फिर इज इक्वल के बाद आगे क्या कहता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, जो बाकी दो साइड्स बचती हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल। इसके अलावा दो साइड कौन सी बच रही है, एक बच रही है आपके पास एसी का स्क्वायर प्लस आपके पास बीसी का स्क्वायर। ये चीज हमें टू प्रूव करके देनी होगी। अगर हम इसको जो लेट किया उसके तहत अगर लिखें तो ए बी इज इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर और ये इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये चीज हमने प्रूफ करनी है। टू प्रूफ तक अगर आपके पास किसी बच्चे के देने में क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, ठीक है, क्लियर। अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास हम क्या करते हैं, ड्रा परपेंडिकुलर सीडी। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो आपके पास बेटा सामने सीधा 90 की एंगल के ऊपर जाके कट करते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर एंगल को शो कर रही है, जो बॉक्स है रेक्टेंगल टाइप। यस
जो बन रही है कि ये शो करे कि रेक्टेंगल ये परपेंडिकुलर है। सी इसका नाम पहले से दिया हुआ, ये कहते हैं ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ऑन किस पे है, ए बी के एसी के ए बी पे, ठीक है। इस लेंथ को अज्यूम कर लेते हैं, ये वाली पूरी लेंथ है, इसको हम सी डी को अज्यूम कर लेते हैं एच, और क्या लेट कर लिया, लेट आपके पास सी डी इज इक्वल टू एच हाइट। इस पूरी चीज को ये जो आपके पास मैं मेंशन कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक ए बी सी पूरा का पूरा है, अगर सी को करेंगे तो सी ये आपके पास क्या पूरी लेंथ है, सी यहां से लेके यहां तक सी है। इसको मैं क्या लेट करता हूं, बुक के तहत मैं नाम देना चाहता हूं, इसको लेट कर लेता हूं मैं एक्स, और ये जो हिस्सा है ये वाला इसको क्या लेट कर लेते हैं वाई। अब क्या लेट किया मैंने, एडी इज इक्वल टू, एडी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एक्स, और बी डी वाई, ये लेट कर लिया। हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, कंस्ट्रक्शन काम हमारे पास तकरीबन खत्म हो चुका है जो हमने लेट किया। अब हमारे पास एक बड़ी ट्राइंगल दो छोटी ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर दिए, एक ही बड़ी ट्राइंगल के हमने टुकड़े कर दिए दो ट्राइंगल के अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब आपके पास जो समझने का पॉइंट है वो आपके पास एक्सप्लेन करता हूं मैं, जो हमने करना क्या है कि बेटा ये जो ट्राइंगल है ना दो, एक ट्राइंगल मैं ये ले रहा हूं वन, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल नंबर ये टू है। इस वन ट्राइंगल को कंपेयर करूंगा पूरी बड़ी ट्राइंगल के साथ, ठीक है। इससे पहले जो हम करते आए थे वो हम करते आए थे कंग्रेंसी, उसके बारे में बता दूंगा। अब हमने कंग्रेंसी शो नहीं करना, हमने सिमिलर को शो करना, सिमिलर और कंग्रेंट में क्या फर्क होता है वो आपके पास एक्सप्लेन करता हूं। पहले ट्राइंगल आप क्या ले लेते हैं, पहले ट्राइंगल छोटी लेके बड़ी ले, सर बड़ी, बड़ी को बाद में रखा होगा, तो मैं आपके पास बी को बेसा छोटी ट्राइंगल वन है, तो ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी कंपेयर विद बिग ट्राइंगल ए बी सी। बेटा सिमिलर और कंग्रेंट में फर्क ये होता है कि आपके पास इस वक्त जो हेडर हेडर सिमिलर और कंग्रेंट का फर्क आपके पास थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो बोर्ड है इस बोर्ड की शेप कैसी है, रेक्टेंगल, और हमारे रूम की शेप इस रूम की शेप रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ इट बराबर नहीं है, ये टेबल की शेप रेक्टेंगल है। सो दे आर सिमिलर बट नॉट कंग्रेंट। इस वक्त जो आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, क्या एक बच्चे का यूनिफॉर्म पूरी क्लास में हर बच्चे को पूरा आएगा क्या, नो सर नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट अ कंग्रेंट बट सिमिलर, लेकिन दूर से देखने पर चलेगा सबका यूनिफॉर्म सेम है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कंग्रेंट। जो कंग्रेंट होता है सिमिलर लाजमी होता है, लेकिन सिमिलर जो हो वो लाजमी या कंग्रेंट भी हो, देखने से यानी उन दोनों की शेप सेम सेम होती है। जैसे मैंने बताया ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो अगर मैं इस बॉक्स को देखूं तो इस बॉक्स की शेप भी रेक्टेंगल है, लेकिन दोनों का साइज बराबर है क्या, तो ये कंग्रेंट नहीं है जबकि सिमिलर है। तो सिमिलर में क्या चीज सेम होना जरूरी है, एंगल का सेम होना। जैसे ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये एंगल क्या है 90, वो एंगल क्या है 90, तो यहां पर ये एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90, यानी सिमिलर होने के लिए क्या चीज जरूरी है, एंगल का सेम होना जरूरी है, साइड का सेम होना जरूरी नहीं है। अगर ये बात हम देख करें कि सिमिलर हमें प्रूव करना है, तो बेटा ये एंगल कितने डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रा किया था, 90 डिग्री है ना, एंगल आपके पास एडीसी, एंगल एडीसी आपके पास कंग्रेंट है, आप कह सकते हैं। देखो जब हमने ट्राइंगल बनाई थी तो ट्राइंगल बनाते वक्त एसी भी हमने क्या देखा, कितने डिग्री का है 90 डिग्री, तो ये आपके पास एंगल एसीबी के इक्वल है कि नहीं है, यस यस ठीक है। दूसरा एंगल अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल ए दोनों ट्राइंगल के अंदर सेम सेम है कि नहीं है, ट्राइंगल ए यानी सी ए डी अब इसमें लिया जाए तो भी एंगल ये यूज हो रहा है, और एक बड़ी ट्राइंगल में तभी तो सेम यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम यहां पे कहेंगे एंगल सी ए डी, छोटी ट्राइंगल के अंदर क्या है, एंगल सी ए डी
कंकरेंट है एंगल सी ए बी और ये हमारे पास क्या है कॉमन है दोनों ट्राइंगल में क्या है कॉमन ये कॉमन है ठीक होगी बात अगर ये हमारे पास कॉमन है तो बेटा ये वाला एंगल किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 ये भी ट्राइंगल के दो एंगल तो इक्वल हो गए कि ये एंगल इसका 90 डिग्री है ये वाला इसका और इसका ये वाला 90 है इसका ये एंगल दोनों में क्या है कॉमन बाकी बच जाता है इसका ये वाला एंगल बचता है बड़ी ट्राइंगल का एंगल बी और छोटी ट्राइंगल का एंगल कौन सा बच रहा है ये वाला जिसको अगर मैं यहां से मेंशन करूं तो ये वाला हिस्सा तो ये एंगल भी दोनों बराबर होंगे वजह क्या है जैसे मैंने बताया ना कि अगर ट्राइंगल का टोटल एंगल का सम है 180 में से दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल जो बचेगा वो भी लाजमी तौर पर क्या होगा इक्वल होगा क्योंकि दो उसके ऑलरेडी इक्वल हो चुके सम भी बराबर है तो हम क्या लिखेंगे छोटी ट्राइंगल का एंगल बी सी ए क्या लिखेंगे एंगल बी सी ए कंग्रेंट है एंगल आपके पास ए बी सी के एंगल ए बी सी के ये भी आपके पास कंग्रेंट चीज की जो रीजन है रीजन थोड़ी सी बड़ी है वर्डिंग में बता देता हूं तो आपके पास यहां पे जो रीजन उसमें दी है सी एंड बी आर कंपोनेंट्स ऑफ द ए कंग्रेंसी ऑफ थ्री एंगल्स यानी थ्री एंगल्स कंग्रेंसी ऑफ थ्री एंगल्स आप कह सकते हैं मतलब वही है कि तीनों एंगल का सम क्या है बराबर जब तीनों एंगल का सम हमारे पास बराबर है दो एंगल हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होगा कंग्रेंट होगा अब ये सिमिलर के लिए आपने कंग्रेंट की साइन को यूज नहीं करना साइन ये वाला यूज करना है जिसे उर्दू में मद कहते हैं ठीक है ट्राई एंगल ए डी सी सिमिलर है ट्राई एंगल के पास ए बी सी और इसकी रीजन क्या आ जाएगी कंग्रेंसी ऑफ थ्री एंगल तीनों एंगल बराबर है तो ट्राई एंगल भी क्या है आपके पास सिमिलर है ठीक है इसकी रीजन क्या लिखेंगे कंग्रेंसी ऑफ थ्री एंगल्स जब तीन आपके पास बराबर हो तो रेशो भी बराबर होती है रेशो बराबर से मुराद क्या है रेशो को यूं कहेंगे ये वाली लेंथ इस बुक की रेक्टेंगल की शेप है यहां देखें ये बुक की शेप क्या है रेक्टेंगल इस बोर्ड की भी क्या है रेक्टेंगल तो इसकी रेशो जितनी ये अगर इससे 5 गुना कम है तो ये वाली भी इससे क्या होगी 5 गुना कम होगी और ये विड्थ भी क्या होगी 5 टाइम्स लेस होगी इसको अगर सिमिलर है तो उनकी रेशो भी सेम सेम कहेंगे इसे क्या कहेंगे रेशो फॉर एग्जांपल इसकी अगर है 1 फीट ठीक है और बोर्ड के हमारे पास 6 फीट तो 6 टाइम्स ग्रेटर होगी ना ये वाली लेंथ तो इसी तरह से इसकी विड्थ से भी 6 टाइम्स ग्रेटर होगा ठीक है अब इसी चीज का हम यूज करेंगे तो यहां पे हम छोटी ट्राइंगल में ले रहे हैं x ओवर b x ओवर b के यानी बेस ये क्या है बेस और ये राइट एंगल के सामने वाला क्या बन जाता है हाइपोटेनस बेस ओवर हाइपोटेनस इज इक्वल टू इस बड़ी ट्राइंगल की बेस क्या बन रही बड़ी ट्राइंगल की बेस क्या है b बड़ी ट्राइंगल की बेस क्या है b और हाइपोटेनस क्या है x नहीं इसके सामने हाइपोटेनस चेक करो पूरा बड़ी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर इधर ये पूरे का पूरा ये तो उसको क्या कहा था सी और यहां से इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b स्क्वायर c इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके छोड़ देंगे ठीक है जिस तरह से हमने इसकी ये ट्राइंगल उठाई अब हम इसको ट्राइंगल उठाएंगे 2 और उसको कंपेयर करेंगे तो जैसे मैंने बताया था रीजन की लिखने की जगह नहीं है जिसकी वजह से मैंने रीजन नहीं लिखी स्टेटमेंट लिखता जा रहा हूं और रीजन आप बुक से भी देख के साथ में लिखने में बताता जाऊंगा जबानी लेकिन लिखा बुक से लेंगे अब दूसरी ट्राइंगल क्या ले रहे हैं अब हम सेकंड ट्राइंगल हमारे पास छोटी कौन सी है एडीसी नहीं सर बीडीसी सर बीडीसी गुड ट्राइंगल बीडीसी corresponding to triangle ABC ABC इसके अंदर भी वही चीजें देखें कौन कौन से सिमिलर आपके पास आ रहे हैं एंगल बेटा ये वाला एंगल इसका ये 90 डिग्री का है कि नहीं है yes, है और बड़ा वाला हमारे पास AC भी है तो इस एंगल को क्या कहेंगे आप एंगल BDC
एंगल बी टी सी इज कंग्रुएंट टू एंगल आपके पास ए सी बी, एक चीज हो गई। और यहाँ पे भी रीजन वही लिखेंगे आपके पास, क्योंकि हम इसको पहले यूज कर चुके हैं कि यहाँ पे इक्वेशन के तहत गिवन के अंदर और उधर हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर भी कहा था कि परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, इक्वेशन का नाम देके हम इसके रीजन को लिख सकते हैं। जब ये बराबर है तो इसमें एंगल बी दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, चाहो तो आप ऐसे लिख लो ए, वरना आप लिख सकते हो कि एंगल बी इज कंग्रुएंट टू एंगल बी और रीजन क्या आ जाएगी कॉमन। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल इस ट्राइंगल छोटी ट्राइंगल पे बच जाता है, ये वाला जिसको मैं अब यहां मेंशन कर रहा हूं। इसको रीड कैसे करेंगे, ट्राइंगल का एंगल बी सी डी, क्या करेंगे इसे एंगल बी सी डी, दूसरी साइड का एंगल कौन सा बचता है एडीसी, कैसे बचता है बीसीए, बड़ी ट्राइंगल का एंगल BCA नहीं, C सेंटर में आएगा, CA बन जाएगा, BAC कहोगे। क्योंकि ये एंगल तो कॉमन हो गया, ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री का, तो बड़ी ट्रायंगल कौन सा एंगल बचा होगा A बचा होगा और छोटी ट्रायंगल का ये बचा होगा, तो इधर क्या आ जाएगा BAC, एंगल BAC, फिर वो तीनों एंगल बराबर हो गए, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर, सिमिलर की साइन ये आ गई, ट्राइंगल आपके पास बी डी आपके पास सी, सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी, रीजन वही आ जाएगी कंग्रेंसी ऑफ थ्री एंगल्स। फिर यहाँ पे फिर वही बात है, पहले हमने लिया था बेस ओवर हाइपोटेनस, अब यहाँ पे क्या लेते हैं हम वाई, ठीक है वाई, और इसके सामने आपके पास ये वाई उसके क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर वाई ओवर ए, क्योंकि ये आपके पास हाइपोटेनस यहाँ ये बन रहा है, देखो ये 90 के सामने साइड ये वाली है, तो क्या आ जाएगा y ओवर a, और छोटी ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर बड़ी ट्राइंगल सॉरी वो क्या है a, और हाइपोटेनस c, इसके याद करने का तरीका बताऊं क्लू, ये x ओवर b है ना, तो जो डिनोमिनेटर में है वही यहां न्यूमरेटर लगा दे, x over b तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से x over b लिया है, तो जो इसके डिनोमिनेटर में वो ही यहाँ पे लगाएं b और c दोनों में कॉमन है, इधर क्या ले रहे हैं परपेंडिकुलर ओवर आपके पास सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यहाँ हाइपोटेनस a है, y over a है ना, तो सेम इधर क्या आ जाएगा a और c, ये ब्लू बता रहा हूँ, ये उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर c, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। अब आपके पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या करते हैं आप ऐड, दोनों क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी x plus y, x की वैल्यू क्या है b square over c plus a square over c, यहां पे रीजन क्या आ जाएगी आपके पास ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन आपके पास 2, तो एलसीएम जब लेंगे x plus y ये आ जाएगा नीचे c, ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बेटा x प्लस y टोटल मिला के ये लेंथ किसके इक्वल हो रही है c, तो इस x प्लस y की जगह c लिख सकता हूं, c इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर c, ये c इधर डिवाइड और इस तरफ आगे क्या हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये चीज अगर प्रूव करके देनी है जी, सर प्रूव हो गया यस सर, समझ आ गई, थैंक यू।